यूपी सरकार के बजट को लेकर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश मुख्य धारा से जुड़ेगा, साथ ही बजट प्रदेश की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए जो है बनाया गया है। नौजवान, किसान, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही समाज के सभी वर्गो को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का आज बजट पेश हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री दानिश आजाद जी। सर, योगी सरकार का 2.0 आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। निश्चित तौर पे इस जो बजट जो पेश हुआ, इस बजट ने प्रदेश को विकास की तरफ और आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से सार्थक जितने भी काम होने चाहिए उस बजट के माध्यम से हम ले आ रहे हैं। और योगी सरकार के इस बजट से उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विकास की जो हम बात करते हैं धरातल पर इस बजट के माध्यम से उसको उतारेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बजट निराधार है। देखिए, जन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता इसकी सच्चाई जानती है। जनता देख रही है कि इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि जो जिस तरीके से योगी सरकार का 2.0 का जो ये ऐतिहासिक बजट है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता के लिए लाभकारी होगा। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।